नमस्कार, स्वागत है आपका ITP 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। देश को मिलने जा रहा है एक नया संसद भवन। मोदी सरकार ने नए संसद भवन को लेकर बना लिया है अपना ड्रीम प्लान। दरअसल मौजूदा संसद भवन 1911 में बनना शुरू हुआ था, तब अंग्रेजों के शासन के दौर में दिल्ली राजधानी बनी थी। सन 1927 में संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज के समय में हिसाब से संसद भवन में काफी समस्याएं देखी जाने लगी है। सबसे बड़ी समस्या है कि संसद में मंत्रियों के बैठने के लिए तो चैम्बर है, लेकिन सांसदों के लिए नहीं है। साथ ही बिजली सप्लाई का सिस्टम भी पुराना है, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट की समस्या होती रहती है। जिसके बाद मोदी सरकार का इरादा है कि जब देश 15 अगस्त 2022 को अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब सांसद नए संसद भवन में बैठे। इसलिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से आवेदन मंगाए हैं। इस आवेदन में कंपनियों ने डिजाइन, आर्किटेक्चर और प्लानिंग के बारे में सरकार को बताएंगी। इसके बाद सरकार 15 अक्टूबर तक एक डिजाइन फाइनल करके उस पर आगे बढ़ेगी। यानी यह तय है कि नया संसद भवन बनना है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं है कि क्या मौजूदा संसद भवन का तोड़ के नया संसद भवन बनाया जाएगा, मौजूदा संसद भवन में बदलाव करके उसको रीडेवलप किया जाएगा, या एक बिल्कुल नया संसद भवन किसी और जगह बनाया जाएगा। सब कुछ कंपनियों के प्रस्ताव को देखने के बाद तय किया जाएगा।